उज्जैन के देवास गेट स्थित बस स्टैंड पर बस से निकले दंपत्ति का लाखों रुपए का ज्वेलरी से भरा बैग चोरी हो गया है। दंपत्ति ने बस कंडक्टर पर लगाया चोरी का आरोप। उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड पर रतलाम स्थित अपने घर से इंदौर के लिए आनंदेश्वरी बस से निकले दंपत्ति ने बस चालक और कंडक्टर पर आरोप लगाया कि उनका 5 लाख रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग चोरी कर लिया गया, जिस पर पुलिस ने कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें बैग ले जाते हुए एक व्यक्ति नजर आ रहा है। उज्जैन देवास गेट थाने से 50 मीटर की दूरी पर रतलाम निवासी आशीष पोरवाल पत्नी प्रज्ञा पोरवाल के साथ इंदौर शादी में जाने के लिए देवास गेट बस स्टैंड पहुंचे। आनंदेश्वरी बस में सवार होने से पहले आशीष ने कंडक्टर से 2 सूटकेस डिक्की में रखवाए। घटना की जानकारी जब लगी तब यात्री दोपहर में मरी माता चौराहे पर उतरे और एक सूटकेस मिला, लेकिन बैग में सोने का हार, चेन, टॉप्स, चांदी के पायजब, कीमती साड़ी व नकदी सहित करीब 5 लाख का सामान था, वह गायब था। इस पर आशीष पोरवाल उसी बस से वापस उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड आया और सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक युवक बैग उतारता नजर आया। कल देवास गेट थाने में एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें यात्रीगणों का एक बैग चोरी हुआ था, जिसमें उनके कुछ ऑर्नामेंट और कुछ कैश पैसे रखे गए थे, जिसके संबंध में थाना देवास गेट में एफआईआर कर ली गई है और प्रथम दृष्टया कंडक्टर, क्लीनर और आजू बाजू जो दूसरी अन्य बसें खड़ी थी उनके स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। उस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं, उसमें कुछ लिंक मिलने की संभावना